गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक पेज नंबर 12, रिवीजन स्टार्ट कर रहा है अपन फिर से। पार्ट दो, शेर। कल हमने पढ़ा था, एक शेर था, वो बहुत ही घमंडी था, उसको अपने बल पर बहुत घमंड था। तो एक दिन उसने सब जंगल में घोषणा करवाई कि सभी जानवर आकर मुझे प्रणाम करें, और अगले दिन से एक एक करके सभी जानवर आकर उसको प्रणाम करने लगे। शेर उधर देखा, उसे चींटियाँ नज़र नहीं आई थी अभी तक, तो उसने अपनी खरगोश ने अपनी आदत के अनुसार कहा, महाराज तो हमेशा देर से ही आती हैं। तो लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी लोग जानवर हंस पड़े, और शेर जो था उसको गुस्सा आने लगा। तब तक उसकी सब चींटियाँ रानी चींटी अपनी सेना के साथ आ गए। शेर बोला, बहुत देर बाद आई, तुम हमेशा देर से आती हो। तो रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमको आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर और गुस्सा हो गया, उसने देखा बोला कि एक तो ऊपर देर से आती है और ऊपर से सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। तो रानी चींटी यह देखकर परेशान हो गई, वह सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा कि वह अपने मित्र कर्ण खजूरे को बुला लाई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और धीरे धीरे हंसने मुस्कुराने लगे। और फिर शेर ने क्या करा, भोजन करके विश्राम करने लगा, उसे नींद आ गई। तो कान खजूरा चुपके से उसके शेर के कान में घुस गया, उसके कान में जोर से काटा, जिससे शेर को बहुत परेशान होकर दर्द से तड़पने लगा और इधर उधर उछलने लगा। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहाँ पर आ गए। शेर के कान का दर्द देख बहुत बढ़ता जा रहा था, सभी जानवर चुपचाप खड़े थे और शेर की कोई कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। हाथी बोला, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलाइए, वो आपकी मदद करेगी। तो शेर ने चींटी को संदेश भेजा, तो रानी चींटी अपनी सेना के साथ गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत दर्द है, कृपया कोई मदद करो। तो रानी चींटी ने बोला, मुस्कुराए उसने शेर के कान में के पास गई और पहुँच कर कान खजूरे को आवाज़ लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। धीरे से उसने बोला, रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कान खजूरा कान से बाहर निकल आया और शेर को भी दर्द से छुटकारा मिला। शेर बोला, चींटी बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरी समझ में आ गया कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार चींटी और नन्हे खजूरे ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया, इसलिए हमें कभी भी अपने घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब शब्द अर्थ पढ़ते हैं। क्षमा, क्षमा मतलब माफ़ी। उपाय, तरीका। मित्र, दोस्त। मंद मंद, धीरे धीरे। विश्राम, आराम। मदद, सहायता। कष्ट, तकलीफ। संदेश, सूचना। श्रुतलेख पढ़िए, ये बिना देखे लिखना वाले शब्द प्रैक्टिस करिएगा। घमंडी, घोषणा, प्रणाम, चीटियाँ, खरगोश, लोमड़ी, बारिश, उपाय, कान खजूरा और योजना। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किससे अपने बल पर घमंड था? शेर को। रानी चींटी का मित्र कौन था? कान खजूरा। शेर ने किसे संदेश भेजा था? चींटी को। अब सही उत्तर पढ़िए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। शेर कैसा था? कमज़ोर नहीं, आलसी नहीं, कैसा था? घमंडी। तो इस पर सही का निशान लगाइए। रानी चींटी किसके साथ पहुंची? हाथी के? नहीं, अपनी सेना के। हाँ, इस पर सही का निशान लगाइए। शेर के कान में कौन घुस गया? कान खजूरा। सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रानी चींटी कान खजूरे के पास क्यों गई? क्योंकि वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी? नहीं, क्योंकि वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी। इस पर सही का निशान लगाइए। शेर ने रानी चींटी को संदेश क्यों भेजा? क्योंकि उसके कान में बहुत दर्द था। इस पर सही का निशान लगाइए। वाक्यों को पूरा कीजिए। संदेश, विश्राम, बारिश, छोटा कीड़ा। मार्ग में का पानी भरा हुआ था, किसका पानी भरा था? बारिश का।
शेर भोजन करके कर रहा था, क्या कर रहा था? विश्राम। आपके कान में कोई देश घुस गया, क्या घुस गया था? कीड़ा। शेर ने रानी चींटी को संदेश देकर भेजा। कभी किसी को नहीं समझना चाहिए, कैसा नहीं समझना चाहिए, छोटा। इन सबको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।